परिज्ञानं जांगलैः सर्पितः। ऋतदोषं परिम्लानं जांगलैः सर्पितं रसैः समाश्वस्तं सशेषार्थिं सर्पिर अभ्यासयेत् पुनः। अब तक जो दोषों का हरण बता दिया है उसमें से एक क्रम बता रहा है कि ऋत दोष जिनका दोष निर्हरण किया गया है वो अभी यह दोषम ये यद्यपि एक वचन यहाँ पे लग रहा है तरी इसको बोलते हैं जानता हूँ एक वचन है। जो भी दोष विकृत है उसका निर्हरण करने के बाद परिम्लानम ऋत दोष के कारण जो परिम्लान हो गया है म्लान मलीन नहीं म्लान जांगलैः सर्पितं रसैः समाश्वस्तं सशेषार्थिं इसकी आरती वेदना शेष है उसको सर्पिर अभ्यासयेत् पुनः घृत का अभ्यास किया जाए। अभ्यास की व्याख्या स्पष्ट है शीलनम सतत क्रिया तो इस तरीके से उसका अभ्यास किया जाए। परिम्लान का मतलब टीकाकरण ने दिया है क्षीण क्लायम वो भी ठीक है लेकिन परिम्लान का मतलब विशेषतः परि शब्द का अर्थ चारों तरफ से परितः पूर्णतः इस तरह से लेना चाहिए। म्लानम म्लान का शब्द आप देख सकते हैं डिक्शनरी में। आगे चलते हैं कृदिगुल्मो विधीयेत शस्त्रं तत्र विसर्जितम्। रक्त और पित्त की वृद्धि इतनी हो गई है कि वहां पे शोधन करना संभव नहीं है और शोधन करना संभव नहीं है इसके कारण अगर गुल्म का विदाह हो गया तो शस्त्रं तत्र विसर्जितम् तो वहां पे शस्त्र कर्म करना चाहिए। अभी यहाँ पे एक तो कंडीशन स्पष्ट है कि रक्त और पित्त वृद्ध हो गया है उसके कारण क्रिया हो नहीं सकती उसके कारण गुल्म का विदाह हो गया है तो शस्त्र की इंडिकेशन कब आती है चरक के अनुसार जब रक्त और पित्त बढ़ गया है और रक्त पित्त बढ़ने के कारण वहां शस्त्र की योजना आपको करनी है तब आपको तीन कंडीशंस आपको रख दिए हैं चरक जी ने। रक्त पित्त की अतिवृद्धि होनी चाहिए सिर्फ वृद्धि नहीं रक्त और पित्त की अतिवृद्धि होनी चाहिए उसके कारण आपको इसकी अनुमति नहीं मिलती कि आप उन दोषों का कफ या वात का और पित्त का शोधन किया जाए और उसके कारण क्रिया मनोपलभ्य क्रिया न होने के कारण गुल्म का विदाह होता है तब शस्त्रम तत्र विसर्जितम्। अब जो व्याकरण वाले लोग हैं बेसिक में काम कर रहे संहिता में काम करने वाले लोग हैं उनके लिए एक थोड़ा सा ये विसर्जितम् शब्द थोड़ा सा अध्ययन करने के लिए मैं छोड़ देता हूं। ऐसा कहा जाता है कि वो शब्द विसर्जित नहीं होना चाहिए विसर्जित ज को य भीष ज यित विसर्जितम नहीं होना चाहिए ये विसर्जित शब्द रूढ़ हो गया है। विसर्जित यानी के वन हु हैज बीन ट्रीटेड इसकी चिकित्सा हो गई है ऐसा ऐसा उसका अर्थ होता है। तो विद्वान लोग ये कहते हैं कि ये विसर्जित जो शब्द है वो पर्याप्त नहीं है वो रूढ़ हो गया है वास्तव में विसर्जित शब्द होना चाहिए।
तो ये एक एक की ये मत है। तो जो संहिता में काम कर रहे हैं उन लोगों के लिए ये जरा व्याकरण के लिए अध्ययन का विषय हो सकता है। चलो आगे चलते हैं। अभी यहाँ पे विधेयेत जो लिखा है इसमें आपको लक्षण कौन कौन से मिलेंगे वही रहने दो निलेश जी। अभी तक ये पूरा नहीं हुआ है। तो यहाँ पे लक्षण रक्त पित्ताति वृद्धत्वात् क्रिया मनोपलभ्य च यदि गुल्मो विधेयेत। इस सूत्र का अगर हमें पूरी तरीके से विस्तार करना है तो हमारा ये यहाँ पे एक महत्वपूर्ण शब्द आ जाता है यदि गुल्मो विधेयेत। यदि गुल्म का विदाह हो जाता है तब। अब जब गुल्म का विदाह हो जाता है उसके कारण हमें उपलब्ध कर दिए है कि रक्त और पित्त की अति वृद्धि हो गई है, क्रिया हो नहीं सकती और उसके कारण रक्त पित्त की वृद्धि हो गई है, क्रिया नहीं हो सकती, इसलिए गुल्म का विदाह हो रहा है। तो हम कल्पना कर सकते हैं कि यहाँ पे हमको लक्षण कौन कौन से मिलेंगे। सूत्र एक तो दिया है, ठीक है, रक्त पित्तादि वृद्धत्वात् क्रिया अनुपलब्ध है यदि गुल्मो विधेयेत तत्र शस्त्रम तत्र विषर्जितम्। तो अभी सर्जरी की या शस्त्र कर्म की एक कंडीशन आपको अनुमति दे दी है। तो कौन सी कंडीशंस ऐसी है, कौन से लक्षण समुच्चय ऐसा होगा कि जहां पे आपको शस्त्र का प्रयोग समुचित समझना चाहिए। तो इसलिए अभी विधेयेत विधेय हो जाने के बाद लक्षण कौन कौन से स्थानिक दिखेंगे, सार्वदेहिक लक्षण दिखेंगे कौन कौन से, इसकी एक अपने को एक लिस्ट करनी पड़ेगी। और उसका ये तो अंतिम लक्षण दिखेंगे, लेकिन उसके पहले कौन कौन से लक्षण दिखेंगे, रक्त पित्त रक्त वृद्धि के, रक्त अति वृद्धि के, पित्त के अति वृद्धि के और बहुदोष के जो लक्षण है वो भी दिखेंगे। और अगर हम थोड़ी सी एक दोषिक विकल्पना लक्षा ध्यान में ले तो पित्त अधिक अधिक अधिक, दूसरी बात पित्त अधिक अधिक अधिक, वात अधिक 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 अथवा वात वृद्धतम, पित्त वृद्धतम और कफ क्षीण तर और क्षीणतम, ऐसी विकल्पना हमको यहाँ पे मिल जाती है। किसके कारण, रक्त पित्ताति वृद्धत्वात् क्रिया मानुपलब्धे च यदि गुल्मो विधेयेत। तो अगर गुल्म का विदाह होता है तो हमें लक्षण समुच्चय जो मिलेगा वो रक्त पित्त की अतिवृद्धि का, बहुदोष की उपस्थिति के लक्षण मिलेंगे और विदाह के स्थानिक तथा सार्वदेहिक लक्षण हमको मिल जाएंगे। और दोषिक विकल्पना उसकी जो होगी वो एक तो होगी पित्त वृद्धतम या दूसरी होगी पित्त वृद्धतम वात वृद्धतम या तीसरी होगी पित्त वृद्धतम वात वृद्धतम और कफ क्षीणतर या क्षीणतम। तो इसके कारण इसलिए हमें ये तीन विकल्पना चार विकल्पना ऐसे मिल जाती है संन्यपात की विकल्पना, जिसके जिसके हमें लक्षण के एक उपलब्धि मिल जाती है। तो अगर आपको इसी सूत्र का विस्तार करना है तो आपके लिए यह पूरा एक दो दो एक दो चार फुस्केप का एक आपका लेखन हो सकता है। इस पर क्या क्या लिखना है आपको, रक्त पित्ता थी वृद्धत्वात्, अभी यहाँ पे ये जो विभक्ति जो जो अलग अलग है इसका अर्थ ध्यान में रखते हुए आपको इस सूत्र का विस्तार करना पड़ेगा। चलो आगे चलते हैं। अभी यहाँ पे गुरु कठिन संस्थानो गुड़ मांसांतराश्रय अविवरण स्थिरश्चैव हि अपक्वो गुल्म उच्यते। अभी यहाँ पे बता दिया आपको कि यदि गुल्मो विधेयेत क्या होता है। अब यहाँ से शुरू करते हैं कि अपक्व पक्व विधेयमान इन सब के एक उसका विवरण शुरू कर देते हैं। तो अपक्व गुल्म कैसे,
सराश्रय अविवरण स्थिरश्चैव। अविवरण यानी कि अभी ये विवरण जो है वो स्थानिक लक्षण नहीं है, वो सार्वधिक लक्षण है। तो अविवरण यानी कि ज्यादा विवरण नहीं हुआ है, अविवरण अल्प विवरण। तो अल्प विवरणता तो आ जाती है उसमें, लेकिन ज्यादा नहीं आ जाती, इसका मतलब भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। उसके बाद स्थिरश्चैव, तो ये इसकी स्थिरता ये आपको कफ का प्राधान्य बताती है, पित्त की कमी बताती है और वात की भी कमी बताती है। गुरुहु ये भी कफ का प्राधान्य बताती है, कठिन संस्थान ये भी कफ का प्राधान्य बताती है। गोड़म अवसांतरश्रय ये स्पर्शन के लिए आपको परीक्षा करने के लिए ये क्ल्यू दिया है, और स्थिरश्चय ये भी सब स्पर्शन परीक्षा के ही क्ल्यू है। तो इसको बोलते हैं अपको गुल्म उच्चते। जैसे कि आप किसी फल को देख सकते हैं जो पका हुआ नहीं है, आम है, इसको ये गोरखपुरी भाषा में अमली बोलते हैं, अमली, आम और अमली, तो जो अमली मराठी में कैरी बोलते हैं उसको, तो ये जो कैरी है उसका ही वर्णन देख सकते हैं आप कि इसका जैसे वर्णन किया है कि अपक्व आम जैसे होता है या बाल आम होता है वैसे ही ये सब वर्णन है। चलो आगे चलते, इसके बाद विवरण करते हैं विदह्यमान। अभी ये विदह्यमान क्या है, अभी पहले तो देख लिया हमने क्या क्या है, गुरु कठिन संस्थान है, उसमें स्पर्शन परीक्षा के मुद्दे बता दिए हैं, लेकिन अभी यहाँ पे बताते हैं कि उसके कारण ये स्पर्श का एक आपको विवरण कर दिया। अभी यहाँ पे सार्वदेहिक लक्षण के क्या सार्वदेहिक लक्षण बता रहे हैं। दाह शूलार्ति संशोभ स्वप्ननाशारति ज्वरैहि विदह्यमानं जानीयात् गुल्मं तम उपनाहयेत्। दाह शूल आरती संक्षोभ स्वप्ननाश अरति ज्वरैहि। अभी यहाँ पे जो सबकी एक विभक्ति है तो ये समास कौन सा बन गया आप सोच सकते हैं, दाह शूलार्थी संक्षोभ स्वप्ननाशारति ज्वरैहि, ये सब समास कौन सा है बताऊंगा नहीं मैं आपको, आप जान सकते हैं। तो ऐसे लक्षणों से क्या जाने कि ये विदह्यमान गुल्म है, विदह्यमान, दह्यमान, विदह्यमान और दह्यमान, ये एक प्रोसेस है ना कि प्रोडक्ट है। अपक्व गुल्म ये तो एक प्रोडक्ट है, लेकिन विदह्यमान ये, विदह्यमान ये एक प्रोसेस है, इसे थोड़ा सा अंतर है इसमें। जो अपक्व गुल्म है वो एक प्रोडक्ट है, वो पका हुआ नहीं है, लेकिन विदह्यमान ये उसमें एक दह्यमान होने की प्रक्रिया शुरू हो गई है, इसलिए आपकी दोषिक विकल्पना भी स्पष्ट हो जाती है। पित्त बढ़ रहा है या उष्णता बढ़ रही है और स्वाभाविक रूप से अगर उसको गति मिलना, गति या एक थोड़ा स्पीड मिलना है तो वात भी बढ़ गया है और कफ की थोड़ी थोड़ी कमतरता होने जा रही है। अब ये विदह्यमानं जानीयात् गुल्मं तम उपनाहयेत्, उसको उपनाह स्वेद करना है, उपनाह ये अनग्नि स्वेद का एक प्रकार है। चलो आगे चलते हैं, अभी यहां पे संपक्वम गुल्मम आदिशेत 43 संपक्व गुल्मम आदिशेत, पहले तो बता दिया अपक्व गुल्म, इसके बाद विदह्यमान गुल्म, अभी ये विदाह की प्रक्रिया पूरी हो गई और ये प्रोडक्ट बन गया संपक्व गुल्म का प्रोडक्ट। तो आप देख सकते हैं कि अगर आपने पूरा अध्ययन किया है तो ये जो गुल्म पहले बताइए अपको गुल्म, ये एक संप्राप्ति पूरी हो जाती है, तो जैसे कि लीन दोष जैसे लक्षण वहां पे उपलब्ध हो जाते हैं, उसके बाद ये प्रक्रिया शुरू हो गई पक्व होने की, विदह्यमान होने की, उसके बाद ये पक्व हो गया तो ये भी एक प्रोडक्ट हो गया। तो गुल्म की जो प्रवास है पूरा उसमें प्रोसेस कौन से है, प्रोडक्ट कौन से है,
और उसके अनुसार आपको क्या क्या करना है इसका एक विवरण आपको यहाँ पे मिल जाता है। अभी यहाँ तो बताते हैं, विदाह लक्षणे गुल्मे बहिस्तुंगे समुन्नते। अभी ये गूढ़ मांसांतराश्रय था, वो विदयमान होने के बाद बहिस्तुंगे समुन्नते, स्पर्शन परीक्षा का आपका विवरण यहाँ पे आ जाता है। स्पर्शन परीक्षा में बहिस्तुंगे, यहाँ पे तो दर्शन का ही विवरण आ गया, उसका तुंग जो है क्या कह सकते हैं उसको, एक श्रृंग जैसा होगा वैसा ही तुंग कह सकते हैं, नहीं तो तुंग कहते हैं शिखर को, तो उसका एक शिखर वहां पे बाहर शरीर के बाहर समुन्नते उन्नत रूप से दिखाई देता है। शावे सरक्त पर्यन्ते, शाव ये वात की वृद्धि के लक्षण बताता है, सरक्त पर्यन्ते संस्पर्शे बस्ति सन्निभे, यहाँ का स्पर्शन का भाग बता दिया, ऊपर दर्शन का भाग बता दिया। निपीड़ित उन्नते स्तब्धे, पहले जो अपक्व था उसमें गूढ़ा स्पर्श उसका बता दिया था, अभी यहाँ पे निपीड़ित उन्नते स्तब्धे, स्तब्ध हो गया है, स्तब्ध यानी वहां पे जो सा स्थिर था यहाँ पे स्तब्ध है, सुप्ते स्तब्ध है और यह सुप्ते तत् सुप्ते, अब ये यहाँ पे कुछ पाठ अंतर होगा शायद, ठीक है कोई बात नहीं। तत्पार्श्व पीड़नात् तत्रैव पिंडिते शूले, तत्रैव पिंडिते शूले, पिंड हो गया है उसका, अपक्व का कौन सा स्थिर था, उसकी एक आकार था मूर्ति थी, यहाँ पे तत्रैव पिंडिते शूले, पीड़िते होगा शायद, देख लेना जाए। पिंडित शब्द जरा थोड़ा मेरे पुस्तक में भी पिंडित ही दिया हुआ है, थोड़ा जरा देखना पड़ेगा, ऐसे ही जरा थोड़े बता देता हूं मैं आपको। कभी कभी क्या हो जाता है कि ऐसी बात आ जाती है कि हमें जो अच्छा लगता है शब्द वो किसी ने ऐड किया हुआ होता है, या कभी कभी अभी जो हम जो संहिता पढ़ रहे हैं वो सब प्रिंटेड फॉर्म में पढ़ रहे हैं, तो इसमें जिसने भी पहली प्रिंटेड कॉपी बनाई उसने जो वहां पे प्रिंट करते समय जो तय किया उसी के अनुसार आगे वाली भी चलती जाती है। ऐसा पिछले एक बार हुआ था कि मैं और मेरे गुरुजी चरक की अर्श चिकित्सा पढ़ रहे थे और वहां पे कुछ शब्द आ गए, तो शब्द थे कि मलिनम दोष मलिनम दोष, कुछ शब्द था उसका, योग योग रुण्णाति अबुद्धिमान ऐसे की, तो अभी उसमें दोष मलिनम ऐसा शब्द चाहिए था लेकिन वो शब्द कुछ अलग था, मैं अभी भूल गया, देख लेता हूँ मिल जाता है कि नहीं। हाँ मिल गया, प्रवृत्त माधव अर्षोभ्यो योग गृणाति निगृणाति अबुद्धिमान शोणितम दोष मंदिलम तद्रोगान जनयित भवन। अभी यहाँ मेरी जो कॉपी है वो किसकी है, यादव जी त्रिकम जी की, उसी कॉपी में शोणितम दोष मनिलम, शोणितम दोष मनिलम अनिलम,
तद रोगान जनयेत बहुन। तो अभी यहाँ पे हम लोग बैठ गए कि शोणितम दोष मनिलम का अर्थ क्या होता है, तो उसका अर्थ हो ही नहीं रहा ना। मैं और मेरे गुरुजी बहुत देर तक उसकी कुछ चर्चा करते रहे, लेकिन हुआ नहीं। दूसरे दिन वो हमारी एक वैद्या सहेली उस वहाँ पे थी, तो उसने दूसरे दिन सुबह बताया कि मैं तो आप गुरुजी के इतनी यहाँ विद्वान नहीं हूँ, लेकिन टीका में ऐसा दिया हुआ है कि शोणितम दोष मलिनम, तो वास्तविक शब्द वहां पे होना चाहिए कि शोणितम दोष मलिनम, दोषों ने मलिन किया हुआ शोणित, ऐसा शब्द वहां पे होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे आ गया शोणितम दोष मलिनम। तो उसके बाद मैंने दो चार कॉपीज देखी, तो दातार महोदय ने जो एडिट की है कॉपी, नासिक के दातार महोदय, तो उन्होंने वामन शास्त्री दातार, तो उन्होंने जो एडिट की कॉपी थी वो मेरे पास थी, तो वहां पे शोणितम दोष मलिदम ऐसा ही लिखा था। तो ऐसा हो जाता है, वैसा ही मुझे लगता है कि तत्रैव पिंडिते शूले संपक्कम गोलोम बादिशे। तो ऐसी जब समस्या आ जाती है तब एक शक्यता हो सकती है कि मूल शब्द कुछ अलग हो या यहाँ पे दिख रहा कुछ अलग हो। तो एक अभी जब अध्ययन हम लोग कर लेते हैं तब एक टाइपिंग मिस्टेक, ये भी एक हमारा एक दृष्टिकोण होना चाहिए। चलो आगे चलते हैं। तो संपक्को गुल्म की चर्चा वहां पे कर ली, अभी वहां पे बताते हैं तत्र धन्वंतरिणाम अधिकारः क्रियाविधौ। तो यहाँ पे ऐसा जब संपक्को गुल्म हो जाता है तो धन्वंतरिणाम अधिकारः क्रियाविधौ, वहां पे धन्वंतरी लोग जो है जो शल्य कर्म करने वाले होते उस क्रिया में उनका अधिकार है, मेरा नहीं है। अभी चरक जी की एक विशेषता देख लीजिए, आर्ष चिकित्सा में ही जब चरक जी की एक प्रतिपादन शुरू होता है तब वो इतने अपने दृढ़ विश्वास के साथ कहते हैं तत्राहुरे के शस्त्रेण कर्तनम हितम अर्षसा वगैरह वगैरह बता देते हैं कि कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि शस्त्रेण कर्तनम अर्षसा में हित, अर्ष में हित होता है, दाह अच्छा होता है, क्षार ऐसा होता है, ऐसे कुछ लोगों का कहना है मानना है। लेकिन अब मैं बता रहा हूं यत्तु कर्म सुखोपायन अल्प पुरुषम अबादारुणम तदर्शसाम प्रवक्षामि समूलानाम निवृत्ति। तो यहाँ पे एक थोड़ा कॉन्फिडेंस देख लीजिए कि अर्ष में क्या कहते हैं वो, कि अर्ष में तदर्शसाम प्रवक्षामि समूलानाम निवृत्ति। कुछ लोग कहते हैं कि इसमें अर्श में छेदन अच्छा होता है, दाह अच्छा होता है, क्षार अच्छा होता है, लेकिन उसमें भी कुछ समस्या आ सकती है। यत्तु कर्म सुखोपायम, जो कर्म सुखोपाय है, अल्प भ्रंश है, अदारुण है, वो मैं बता देता हूँ, ऐसा वो कह लेते हैं, कमाल है। तो लेकिन यहाँ पे बड़ी विनम्रता के साथ वो कह लेते हैं कि अभी यहाँ पे तत्रैव शूले संपक्वम गुल्मम् आदिशेत्, संपक्व गुल्म जब आ जाता है तब धन्वंतरियाणाम अधिकारः, तब वो मेरा अधिकार नहीं रहता, चरक संहिता का काय चिकित्सा का अधिकार नहीं रहता, वहां पे धन्वंतरी का अधिकार है, शल्य कर्म वहां पे बता दीजिए। अभी उनकी कुछ विशेषताएं बता देती है, विशेषताएं नहीं उनकी डिजायरेबल एक्सपेक्टेशन, वैद्यानाम कृत योग्यानाम हृदय शोधन रूपणी। अभी यहाँ पे उसके बाद बता देते अंतर्वाग से चाप्य दत्त पच्यमानस से लक्षणम रुत्कोड़ शून्यता अंतस्थे बहिस्ते पार्श्व निर्गति ही। तो यहाँ पे पक्व पच्यमान इसके दो लक्षण और पच्यमान के भी दो प्रकार, अंतस्थ और बहिस्थे पार्श्व निर्गति ही, पार्श्व निर्गति ही, निर्गति ही का मतलब आप समझ लीजिए, बहिस्थे अंतस्थ गुल्म में क्या होता है, बहिस्थ गुल्म में क्या होता है, ये निर्गति ही शब्द, इसमें कौन कौन से शब्द आते हैं इसका मतलब आप समझ लीजिए। चलो आगे चलते हैं। अभी पक्वः श्रोताओं से संकलेद्य व्रजति ऊर्ध्वम अधो पीवा स्वयं प्रवृत्तम तम दोषम उपेक्षित हिताशनैः। अभी यहाँ पे देख लीजिए, पक्वः श्रोताओं से संकलेद्य
अभी संकलेद्य क्लेद उत्पन्न करना, तो क्लेद जब सार्वदेहिक उत्पन्न हो जाता है तब क्या हो जाता है कि ये गुल्मा एक अपनी अपनी दिशा एक पकड़ लेता है, या उसके अगर कफाधिक्य होगा, वजन उसका ज्यादा होगा, निचली दिशा में जाएगा, अगर उसमें वाताधिक्य होगा ऊर्ध्व दिशा में जाएगा, लेकिन वो श्रोताओं से संकलित, स्रोतों का संकलेदन क्लेदन करता है। अभी क्लेदन प्रक्रिया समझ लीजिए, क्लेदन प्रक्रिया समझने के लिए एक थोड़ा सा आपको और भी एक देखना पड़ेगा। रक्तपित्त चिकित्सा में ये बता रहा है क्या सूत्र है, तस्य उष्मणा द्रवो धातु धातुर धातु प्रसिच्यते, तस्य उष्मणा द्रवो धातु धातुर धातु प्रसिच्यते। ये जो सूत्र, ये जो प्रक्रिया बताई गई है, उस प्रक्रिया को नजर में रखते हुए आप जरा श्रोताओं से संकलेद्य ये प्रक्रिया समझ लीजिए। पक्वा अगर होता है तो श्रोतसों को संकलेदन करता है। अभी ये श्रोतस कौन से है, छोटे हैं बड़े हैं, उसी उसी जिससे वाता हुआ स्रोतस है, पित्त हुआ है, कफ हुआ है, या और कुछ है, या उक्त है, या अनुक्त स्रोतस है, ये सब आपको अध्ययन की एक दिशा आपको यहाँ पे मिल जाती है। यहाँ पे तो सामान्य दिशा बताई है कि अंतस्थ, अभी हाँ बिल्कुल एक तो बात भूल गया कि जो अंतस्थ गुल्मा होगा वही उधर ऊपर या नीचे जाएगा, जो बाहर बहिस्थ होगा वो तो ऊपर नीचे जाने की संभावना नहीं है। तो बता देते हैं कि पक्वः श्रोताओं से संकलेद्य व्रजति ऊर्ध्वम अधोपि वा स्वयं प्रवृत्तम तम दोषम, अगर वो स्वयं प्रवृत्त होता है उपेक्षित हिताशनै ही, उपेक्षित हिताशनै ही, उसकी उपेक्षा करे। अभी उपेक्षा का मतलब दुर्लक्ष नहीं है, उपेक्षा का मतलब ईक्षण करना है, ध्यान रखना है, हिताशन करने के साथ साथ। अभी उसकी भी एक मर्यादा बता देते हैं, क्या है, दशाहम द्वादशाहम वा रक्षन बिशक उपद्रवान, 10 या 12 दिन इतनी ही उसकी उपेक्षा, उपेक्षा का मतलब दुर्लक्ष नहीं है, उपेक्षा और दुर्लक्ष में अंतर है, दुर्लक्ष अलग बात है, उपेक्षा अलग बात है, उपेक्षा में उपेक्षण यानी एक ध्यान देना भी अभिप्रेत है। दशाहम द्वादशाहम वा रक्षन बिशक उपद्रवान, उपद्रवों की रक्षा करते हुए। उपद्रव की व्याख्या आपको मालूम है स्पष्ट, क्या होता है उपद्रव, माधव निंदन में बताया गया है, यहाँ पे नहीं बताऊंगा। अत ऊर्ध्वम हितम पानम सर्पिषा सविशोधनम, शुद्ध से तिक्तम सक्षौद्रम प्रयोगे सर्पिरिष्यते। अभी अत ऊर्ध्वम, इसके बाद क्या करना है, हितम पानम सर्पिशः सविशोधनम, और कौन सा, हितम पानम सर्पिशः, सर्पिश का पान बताया गया है, यानी कि उसकी मात्रा भी स्पष्ट कर दी है कि सर्पी का पान करना है, सविशोधनम विशोधन भी करना है, शुद्ध से विशोधन के बाद जो शुद्ध हो गया है, सौक्षोद्रम तिक्तम सर्पी प्रयोगे इष्यते, शुद्ध से शुद्ध जो हुआ है उसका क्ष सौक्षोद्रम प्रयोगे सर्पी इष्यते, कौन सा, तिक्त। अभी यहाँ पे और एक बात आपके लिए अध्ययन के लिए यहाँ पे एक अपनी उनकी मान्यता है विरुद्ध अन्न का करे या ये विरुद्ध नहीं होता, ये भी आपके लिए अध्ययन का ही विषय बन जाता है। देखिए ऐसा है कि हमारे संहिता में विरुद्ध अन्न का यद्यपि निषेध है, स्वस्थ व्यक्ति के लिए है निषेध हो, लेकिन वो निषेध जो है वो आपको चिकित्सा में आपको मिल जाता है, जैसे कि लहसुन का क्षीरपान रुद्रोग में बताया गया है। तो यहाँ पे विरुद्ध की चिकित्सा भी एक अपना अध्ययन का विषय हो जाता है।
जैसे कि मैंने एक लेख लिखा था कि विरुद्ध अन्न की स्पोर्ट्स मेडिसिन में उपयुक्तता, जब मैं वो करता था तब बिल्कुल ऐसी योजना करता था कि स्पोर्ट्स मेडिसिन में उनकी उनकी अपेक्षा के अनुसार बिल्कुल विरुद्ध अन्न की योजना करनी पड़ती थी। अभी किसी का वजन बढ़ाना है, अभी कंपटीशन में जाना है, तो अभी 2 दिन में हम उसको इतना वजन बढ़ाना है वगैरह वगैरह कुछ ना होते थे, वो मैंने लेखन में अपने समुचित लिख लिया है। लेकिन यहाँ पे आपके लिए अध्ययन के लिए और एक विषय मिल जाता है कि यहाँ पे तिक्त सर्पी है, तो तिक्त सर्पी और क्षुद्र क्या विरुद्ध बन जाता है? यदि बनता है तो उसकी उपयुक्तता या औचित्य क्या है? यदि नहीं बनता तो क्यों नहीं बनता? ये आपके लिए अध्ययन का एक विषय आपके लिए बन जाता है। अभी जरा तो कहने का मतलब यह है कि जब हम संहिता पढ़ते हैं, अब जैसे और मैंने कहा कि आप लोग तो अभी शायद एमडी कर चुके हैं या कर रहे हैं, और आप चिकित्सा, अपनी खुद की चिकित्सा, अपनी पूरी अपनी क्या बोलते हैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे आप चिकित्सा करने जा रहे हैं, तो आपको ये थोड़ा थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा अध्ययन, थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिकल। तो यहाँ पे ये आपको एक दिशा मिल जाती है अध्ययन की कि क्या ये विरुद्ध अन्न है, अगर है तो क्यों है, इसका औचित्य क्या है, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है। तो ऐसे हर एक सूत्र में अगर हमें कुछ रिसर्च या अध्ययन के पोटेंशियल मिल जाता है तो हमें बिल्कुल देखने चाहिए। तो चलो अभी टाइम हो गया, एक 2-3 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं, 2-3 मिनट के बाद फिर मिलेंगे। चलो आगे चलते हैं। शीतलैर गुरुभिर स्निग्धैर गुल्मे जाते कफात्मके, अवम्यस्य अल्पकायाग्नेः कुर्यात् लंघनमादितः। अभी यहाँ पे हेतु बता दिए है कि गुल्मे जाते कफात्मके, अवम्यस्य, जिसको वमन करना नहीं है, और अल्पकायाग्नि, अभी तो एक क्लिनिकल मेथड आपको स्पष्ट हो गई कि गुलमर्ग होने के बाद आपको तय करना है कि ये कौन से दोष का प्राधान्य है इसमें, उसमें ये दोषार्ह है, दोष निर्हरणार्ह है या नहीं है, यानी कि इसका शोधन करना है कि नहीं करना है। तो यहाँ पे दो उन्होंने एक इंडिकेटर्स बताए, अवम्यस्य, जिसको शीतल और गुरु स्निग्धैर गुल्मे, ऐसे शीत गुरु स्निग्ध ऐसे हेतुओं से अगर कफक जो गुल्म हो जाता है, अवम्यस्य, जिसको वमन करना संभव नहीं है स्वाभाविक रूप से, या कुछ जिसको अवाम्य बताया गया है ऐसे, और अल्पकायाग्नि, जिसका कायाग्नि अल्प है, तो उसको पहले लंघन करे, कुर्यात् लंघनम आदितः, उसको पहले लंघन करे। अभी यहाँ पे अध्ययन का विषय है कि लंघन कौन सा करे। अभी यहाँ पे लंघनम आदितः बताया गया है, तो स्वाभाविक रूप से यहाँ पे उपवासात्मक लंघन ही अभिप्रेत है, क्योंकि लंघनेन या लंघन ही ऐसी अगर विभक्ति आ जाती वहां पे, तो लंघन के जो अलग अलग प्रकार है वो यहाँ पे आ जाते। लेकिन यहाँ पे जो बताया गया है कि जो पहले तो ये हेतु भी बता दिए गए हैं, वो भी आहार हेतु ही है प्रायः, कि शीतलई गुरुभिः स्निग्धैः, ऐसे वो आहार हेतु बताया है, अवम्यस्य अल्पकायाग्नेः, तो अवम्यस्य अल्पकायाग्नि, अग्नि का भी विवरण कराया है, तो इसके कारण अपनी ऊह तंत्र युक्ति से अर्थ निश्चित हो जाता है कि यहाँ पे जो लंघन अभिप्रेत है वो उपवासात्मक लंघन ही अभिप्रेत है, पूर्णतः अनशन या अल्पाशन ऐसा ही लंघन यहाँ पे अभिप्रेत है। यह किससे तय किया हमने कि पहले तो बताए गए हैं कि जो शीतले गुरुभिर स्निग्धैः, ये सब आहार हेतु है, अल्पकायाग्नि, ये तो अग्नि का विवरण है, तो इसके कारण अल्पकायाग्नि और आहार हेतु इस दोनों से हमारा तय हो जाता है कि यहाँ पे आपको लंघन करना है, और वो भी उपवासात्मक लंघन करना है, क्योंकि
क्योंकि अगर लंघन के अलग अलग ऑप्शन हमारे सामने आने थे, अगर उनको अभिप्रेत थे संहिताकारों को, तो यहाँ पे लंघन की विभक्ति ही बदल जाती। यहाँ पे जो एक वचन दिया है उससे वो अनेक वचन हो जाता। ऐसे ग्रंथों से हम जब एक कुछ निर्णय करते हैं जिसको ऊह तंत्र युक्ति बोलते हैं, तब हमें वो अन्वयात्मक और विपर्यात्मक ऐसे दोनों भी उससे उसकी सिद्धि करनी पड़ती है। अभी यहाँ पे जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे हमने लंघन है क्रमांक एक, उसका निर्णय करना है, तो क्रमांक एक ये एक वचन है, क्रमांक दो कायाग्नि का वर्णन है, क्रमांक तीन शीतले गुरुवीर स्निधि ये सब आहार हेतुओं का वर्णन है। तो इन तीन तर्कों से स्पष्ट हो जाता है कि यहाँ पे लंघन जो करना है वो उपवासात्मक, अनशनात्मक या अल्पाशनात्मक ऐसा ही करना है। सूत्रों का जब हम अभी इसी सूत्र का अगर हमें विस्तार करना है तो हमारे लिए क्या क्या मिल जाता है, शीतलई गुरु भई स्निग्धई। अभी शीतलई ही गुरु भी स्निग्धई ही ये सब है, अनेक वचन है, अवम्यस्य ये तो स्पष्ट है, अल्पकायाग्नि है, तो कुर्यात लंघनम आदितः। तो इसके कारण अभी शीतलई ही के विवरण आप कर सकते हैं, जितने भी शीत है, शीत वीर्यात्मक है या शीत गुणात्मक है आहार, गुरु गुरु गुणात्मक है, स्निग्ध ही स्निग्ध गुणात्मक है। अभी देख लीजिए कि शीत गुरु स्निग्ध ये जो तीन गुण है इनका समावेश वीर्यात्मक गुणों में भी होता है। तो इसके कारण आपको विवरण की और एक यहाँ पे एक शक्यता बढ़ जाती है। अवम्य से अल्पकाय ने कुरियात लंघन हमारी था। जैसे मैं आपको कह रहा हूं कि यहाँ पे जब हम ऊह करते हैं तंत्र युक्ति से, तब तो हमको जैसे अन्वयात्मक देखना पड़ता है वैसे व्यतिरेकात्मक भी देखता है। आप में से कई लोग सुडोकू खेलते होंगे, नहीं खेलते होंगे तो खेल लीजिए, अच्छा लगता है, उससे थोड़ी अपनी तंत्र युक्ति सुधरी जाती है, ऐसा मेरा अनुभव है। क्योंकि वहां पे एक एक बंदिस्त है, वो चारों दिशाओं से बंदिस्त है, सुडोकू 9 खाने होते हैं, हर खाने में 9 पॉइंट्स होते हैं, उसमें एक अंक एक ही बार आना चाहिए। ये पूरी लाइन में भी जो वर्टिकल लाइन है उसमें भी हॉरिजॉन्टल लाइन में भी एक ही बार आना चाहिए वो अंक, और वो जो 9 के 9 खाना बनाए उसमें भी एक अंक एक ही बार आना चाहिए। तो इसके कारण उसका जो एक बंदिस्त बन जाता है, तो यहाँ पे तो आयुर्वेद में तो ये ऐसा बंदिस्त नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपको वहां पे एक तय करना है कि ये अंक यहाँ पे बैठेगा कि नहीं सुडोकू में, तब आप क्या क्या करते हैं कि अरे यहाँ पे क्यों बैठेगा, यहाँ पे क्यों नहीं बैठेगा, ऐसे दोनों तर्क आपको करने पड़ते हैं। तो वैसे ही यहाँ पे जब आप काम करोगे ये सब, तब आपको ये अगर ये हमें तर्क इसका स्पष्ट करना है तो ये तर्क यहाँ पे क्यों सिद्ध होता है और क्यों असिद्ध नहीं होता है, क्यों सिद्ध होता है हमारा शास्त्र तर्क और या असिद्ध क्यों नहीं होता है, ये दोनों देखना पड़ेगा। चलो आगे चलते हैं। अभी यहाँ पे बता देते हैं मंदो अग्निर्वेदना, मंदो अग्नि अग्नि मंद है, वेदना मंदा गुरु स्थिरित कोष्ठता सोत्क्लेशा चारुचर्यस्य स गुल्मी वमनोपगाह। जिसका अग्नि मंद है, वेदना भी मंद है, गुरु स्तिमित कोष्ठता, स्तिमित आर्द्री भाव, स्तेम आर्द्री भाव, यानी कि जैसे पेशेंट बता देता है ये लक्षण बिल्कुल, कि पेशेंट बता देता है कि जैसे मेरे पेट को कोई पूरा गीला किया हुआ टॉयल रखा है, ऐसा मेरा पेट मुझको लगता है। उष्णेर एव उपचर्यश्च। अभी यहाँ पे जब एव शब्द आ जाता है वो थोड़ा दृढ़ता करता है, दृढ़ता बताता है, उष्णेर एव उपचर्य, अभी उष्ण यानी के उपचर्य उष्णेर एव, अभी ये पुनः एक अनेक वचन आ गया, उष्ण ही एक विभक्ति अपनी आ गई, तो उससे अर्थ स्पष्ट हो जाता है कि आहार विहार तथा औषधि तीनों में आपको ये उष्ण का उपयोग करना चाहिए, उष्ण वीर्य उष्ण गुणात्मक सब कृते वमन लंघने
मंदलंघन होने के बाद उसको उष्णैरेव उपचर्यश्च योज्यश आहार संसर्गो भेषजैः कटुतिक्तकैः। अभी उसमें और थोड़ा सा बता दिया है, उसने उसके योज्यश्च आहार संसर्गो भेषजैः कटुतिक्तकैः, आहार के साथ ही भेषज की योजना की जाए। आहार संसर्गो भेषजैः कटुतिक्तकैः, भेषज क्या हो, कटु और तिक्त रस का, तिक्त कही ही, कटु तिक्त कही ही। तो आपके लिए आप अभी यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है कि उसको आहार जो देना है वो उसके साथ आपको ये कटु तिक्त का भेषज देना है, नहीं तो ऐसे भी बहुत सारी विकल्पना है आपके पास जिसमें आहार भेषज हो सकता है। जैसे कि अभी हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे आपने अगर देखा होगा तो आयुर्वेद पत्रिका में पिछले 2 साल पहले मैंने कुछ लेख लेखन किया था, उसमें आहार भेषज कि जिसमें आहार औषधि है, आहार मुख्य द्रव्य है लेकिन भेषज द्रव्यों का भी उपलब्धि उसमें है, ऐसे कुछ दवाइयाँ या ऐसे कुछ जैसे कि सीतोपलादि चूर्ण, सीतोपलादि चूर्ण ये आहार भेषज है, देख लीजिए आप, क्योंकि उसमें सबसे ज्यादा जो है वो खंड शर्करा है, सबसे ज्यादा जो पड़ती है वो खंड शर्करा है, तो उसके पूरे कल्प का एक जो रस बन जाता है उस रस प्रधान से वो काम करती है ना कि वीर्य प्रधान से। ऐसे बहुत सारे आहार औषध हमारे चरक संहिता में मिल जाते हैं, तो ये भी आपके लिए एक अध्ययन का विषय बन जाता है कि यहाँ पे आपको आहार संसर्गो भेषजैः ही कटु तिक्त कही ही, आहार उष्णरेव उपचर्यश्च ये तो बता दिया है, उष्ण आहार देना है, उष्ण गुणात्मक आहार देना है, उष्ण वीर्यात्मक आहार देना है, और भेषज ही कटु तिक्त कही, तो आपके लिए क्या क्या पर्याय उपलब्ध हो सकते हैं। आपके लिए मैं अध्ययन का विषय एक छोड़ देता हूँ कि आहार कल्पना बनानी है और उसमें भेषज कटु तिक्त कही ही का इस्तेमाल करना है। उदाहरणार्थ एक मैं बता देता हूँ कि गुड़ची कांड की सब्जी हो सकती है क्या, सोचने के लिए छोड़ देता, मैंने ऐसे कुछ मान्यता नहीं, मैंने बनाई नहीं है आज तक या किसी को बताई भी नहीं है, लेकिन गुड़ची पर्ण क्या सब्जी तो हो सकती है पर वो मधुर है, गुड़ची पर्ण जो है वो मधुर है, लेकिन क्या हम इसके साथ चावल बना सकते हैं, गुड़ची कांड के साथ चावल, हाँ शक्य है, या गुड़ची कांड के साथ कुछ उसका मंड या पेया ऐसे कुछ बना सकते हैं, बिल्कुल ऐसी कुछ बना सकते हैं क्या, तो ये सब आपके लिए उपलब्ध होता है कि इसमें कटु तिक्त का रस है और कटु तिक्त का रस इतना ही होना चाहिए कि जो वहां पे और कुछ उत्कलेश ना करे, क्योंकि वमन पहले किया है, लंघन हमने किया है, उसके बाद ऐसा ना करे कि वो अन्य दोषों को भी उत्कलेश करे, इतना ही देना है, तो आहार के साथ भी दे सकते हैं। तो इसके लिए आपके लिए एक और अध्ययन का विषय बन जाता है, क्या है कि गफ गुल्म में कटु तिक्त भोजन भेषज और आहार संसर्ग, ये आपके लिए आप लोगों को बहुत सारे लेख लिखने पड़ते हैं ना इमड़ी जब करते हैं आप लोग, तब ये आपके लिए एक अध्ययन का विषय बन जाता है कि गुल्म में कफज गुल्म में आहार विकल्पना, और उसके लिए ये सूत्र आपको काम आएगा, योजश आहार संसर्गो भेषज ही कटु तिक्त ही। तो जिसको लिखना है लिख ले, कुछ मदद मेरी चाहिए तो जरूर ले ले, क्या क्या करना होगा आपको उसका अधिकरण पहले स्पष्ट कर लीजिए कि ये सूत्र जो आया है इसके उसका अधिकरण क्या है, उसकी उपयुक्तता क्या है, और आप उसके हिसाब से आप 4 ऑप्शन दे दीजिए। इसको क्या बोलते हैं, ये तो हो गया एक अनुक्त अध्ययन भी हो गया और लेशोक्त अध्ययन भी हो गया, क्योंकि यहाँ पे क्या आहार करना है ये बताया नहीं है, लेकिन उसके सूत्र बताया कि भेषज ही कटु तिक्त कही उष्णैरेव उपचर्यश्च, ये सब उसके बताए हैं, लेकिन क्या देना है, खाने में क्या दूं उसको पेशेंट को, तो इसके लिए आपको ये उष्ण भेषज ही कटु तिक्त कही आहार संसर्गो ये सब आपको मिल जाता है, तो आप अपना एक पूरा इसका सूत्र का विवरण कर सकते हैं, नहीं तो एक आपका आप लेख भी लिख सकते हैं जो लेख बहुत सारे वैद्यों को काम आ जाएगा, आपका भी काम बन जाएगा, एमडी का आपका लेखन भी हो जाएगा, और ये पूरा एक तंत्र युक्ति का अध्ययन भी हो सकता है, इसको आप अनुक्त अध्ययन भी कह सकते हैं, लेशुक्त अध्ययन भी कह सकते हैं,
तंत्र युक्ति अध्ययन भी कह सकते हैं, नहीं तो आपका एमडी का जो भी थीसिस होगा उसके साथ एक उसका एक अपना अध्ययन हो सकता है। चलो आगे चलते हैं, उसके बाद बताते हैं सानाहम सविबंधन च गुल्मम कठिनम उन्नतम, अनाह सविबंधन च गुल्मम कठिनम उन्नतम दृष्ट्वा आदोस। अभी ये जो है कठिनम उन्नतम ये बाहर आया हुआ है, क्योंकि कठिन जो है ये हाथ को स्पर्श न परीक्षा से उपलब्ध होने वाला है, सानाह सविबंध ये स्पर्श से समझने वाला है, विबंध तो प्रश्न परीक्षा से समझेगा, स्पर्शन परीक्षा में समझेगा, आना अभी आपको स्पर्शन और प्रश्न से समझेगा, लेकिन कठिन जो है स्पर्श गम्य ही भाव है। दृष्ट्वा आदौ स्वेदयद युक्त्या, उसको स्वेदन देना है। अभी यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है स्वेदयद युक्त्या, अभी यहाँ पे आपको ऑप्शन ये है कि या उसको अग्नि स्वेद करना है या अनग्नि स्वेद करना है, तो इसका तय कैसे करेंगे आप? कफ जो गुल्म है सानाह अनाह है, तो अनाह की विकल्पना आप कर लीजिए क्या है, तो अनाह में विबंध में कफ और वात की भी उपलब्धि रहती है, तो यहाँ पे जो आपको स्वेदन करना है ये आपको सिर्फ अनग्नि स्वेद करना है, जैसे कि उसको अवगाह स्वेद बताना है या कुछ उपनाह करना है या उसको ज्यादा कंबल लेने बांधने को कहना है या अर्का पत्र उसमें लगाने हैं ऐसा करना है, या साक्षात नाड़ी स्वेद देना है या कुछ सार्वधिक स्वेद देना है, ये आपको तय करना पड़ेगा। और उसका एक ये भी आपका एक के लिए लेखन स्वेदयद युक्तिया। अभी युक्ति जब आती है तो युक्ति में दो महत्वपूर्ण मुद्दे आ जाता है, मात्रा कालाश्रय युक्ति। स्वेदयद स्वेदयद तो एक अलग बात है, युक्तिया स्वेदयद युक्ति का प्रयोजन करना है, मतलब स्वेदन करना है तो स्वेदन करने के लिए आपको पहले तय करना पड़ेगा कि इसको अग्नि स्वेद देना है किसी एक महफिल का आनंद ले रहा हूं, तो अभी ये मैं पहले जो मैंने बताया उष्णेरे उपचरेश कृते वमन लंघने योजस्य आहार संसर्गो भेषजैः कटुत्वैः, ये जो सूत्र है अभी इसका मैं अगर विस्तार करने लगूं तो एक आधा घंटा ऐसे ही बीत जाएगा, एक एक शब्द का एक अत्यंत समुचित रूप से उसका विवरण करने लगूं आधा घंटा ऐसे ही चला जाएगा, अगर लिखने बैठ जाऊं तो पूरे चार पांच फुलस्केप उस पे ही लिख दूं। ऐसे ही अभी यहाँ पे जो दिया हुआ है कि सानाहम सविबंधंच गुल्मम कठिनमुन्नतम दृष्ट्वा आदौ दृष्ट्वा, अभी यहाँ पे भी स्वेदन करना है आपको, तो स्वेदन में आपको स्वाभाविक रूप से ऑप्शन आ जाता है अग्नि स्वेद है अनग्नि स्वेद है, 13 प्रकार के स्वेद है वो सब आपको मिल जाता है, लेकिन तो उसके लिए पहले तय करना है आपको कि इसको अग्नि स्वेद देना है कि अनग्नि स्वेद देना है। अभी ये तय करने के लिए आपको मुद्दे कौन से है कि ये सानाह है सविबंध है और कठिन है और उन्नत है, तो स्थानिक करना है कि सार्वदायिक करना है, अग्नि स्वेद करना है कि अनग्नि स्वेद करना है, ये आपको एक 2x2 का टेबल मिल जाता है इसमें, तो वह पहले तय कीजिए, उसके बाद तय कीजिए युक्तिया। युक्ति का मतलब होता है मात्रा कालाश्रय युक्ति, तो कितनी देर करनी है स्वेद और कितना कितना स्वेद करना है और कितनी देर करना है, ये भी आपको उसमें हो जाता है। तो देखो एक एक सूत्र है स्वेदयद युक्तिया सानाम से एक सूत्र है, तो चलो बैठ गए हम लोग लिखने पूरे चार पांच फुलस्केप आपके बिना किसी उठपटांग बातें किए हुए आपका बिल्कुल ऐसे बिल्कुल लॉजिकल तर्कसंगत शास्त्र तर्कसंगत लिख सकते हैं।
और यूं कि आप पेशेंट देख रहे हैं, तो आप जब पेशेंट देखते हैं तब तो आपको पता चलेगा कि अरे ये गुरुमा मैंने ऐसा यहाँ पे देखा था, और उस पेशेंट को ये सूत्र उसका एक संबंध आता है, तो मैं उसको कैसा स्वेद करूंगा, क्या स्वेद करूंगा, ऐसे वो शास्त्र और तर्क और प्रत्यक्ष इन तीनों का एक समन्वय अच्छी तरीके से हो सकता है, तो ये भी आपके लिए एक अध्ययन का विषय बन जाता है। उसके बाद स्वेदयेद युक्त्या स्विन्नं च विलयेद विषयक्। स्वेदयेद युक्त्या, युक्त्या स्वेदयेद, अभी स्वेदन होने के बाद स्विन्नं च विलयेद विषयक्। तो विलयन उसका करना है, तो विलय करना है ये भी एक प्रक्रिया है। तो यहाँ पे आपको ये जो दो न्याय बताए हुए न्यायिकों ने, पीलोपाक और पिठरापाक, इसमें से कौन सा पाक यहाँ पे करना है, आप सोच सकते हैं कि पीलोपाक करना है तो श्रिंक हो जाएगा या कट हो जाएगा थोड़ा थोड़ा, और पिठरापाक करना है तो क्या होगा, श्रिंक होगा या कट होगा, ये आपको सोचने के लिए आपको मजबूर करता है कि चलो यहाँ पे मुझे सोचना पड़ेगा। विलयेद विषयक लंघन उल्लेखने स्वेदे कृतेग्नो विलयेद, विलयेद बता दिया है, स्विन्नंचे विलयेद विषयक, अभी विलयेद कैसे करना है, उसका विलय करना है, स्वेदयी युक्त्या स्विन्नंचे विलयेद, ये बता के छोड़ दिया आपको कि स्विन्नंचे विलयेद अभी विलय करना है, तो आपको पीरोपाक पिठरपाक ये पाक के दो प्रकार याद करके वहां पे कुछ योजना करनी पड़ेगी। अभी लंघन उल्लेखने स्वेदे कृते, उल्लेखन कर लिया उसका, विलय कर दिया, स्वेदे कृते अग्नौ संप्रदुक्षिते, अग्नि का एक संदूक्षण भी हो गया, कहो गुल्मी पिबेद क्षारम सक्षार कटुकम घृतम, कफ गुल्मी पिबेद काले सक्षार कटुकम घृतम, कफ गुल्मी ने पीना चाहिए, पीना है, अभी यहाँ पे क्षार पीना है, पिबेद काले खाना नहीं है पीना है, तो जो आपके लिए आहार में योजना मिल जाती है वहां पे पेय भक्ष्य चोष्य लेय, इसमें से ये पिबेत कार्य, तो सक्षार कटुकम घृतम, क्षार के साथ कटु घृत उसको पीना है आपको, तो पिबेत किसका विवरण है, क्षार का है कि घृत का है, घृत का है, तो घृतम पिबेत सक्षार कटुकम घृतम पिबेत सक्षार, तो आपके लिए क्षार ये क्या कौन सा होना चाहिए, ये भी आपकी एक विकल्पना हो जाती है। अप श्रुत, श्रु एक गतिदर्शक भाव है, अपश्रुतम अपगत जिसको कहते हैं, अप दूर, अप यानी दूर, अपगत जैसे कि अपस्मार में बताया है, अपगतः श्रुतयः यस्मिन् स अपस्मारः, अपगत दूर गया है, तो यहाँ पे भी बताया गया स्थानाद अपश्रुतम, अभी यह कौन से स्थान से कहाँ जाएगा, दिशा कौन सी है, दिशा विचार भी यहाँ पे है, ज्ञात्वा कफोगुल्मं विरेचनैः सस्नेहैर्वस्तिभिर्वापि शोधयेत्। अभी यहाँ पे आपके लिए अध्ययन का विषय आ गया कि पहले ये सब पूरा करना है आपको, विलय करना है, और अगर स्थानाद कफगुल्मी पिबेत काले सक्षार कटुकम घृतम, स्थानाद अपसृत, अगर ये जो गुल्म है वो अगर स्थान से अपसृत हो गया है, तो ऐसे कफगुल्म को विरेचन ही सस्नेहर बस्ती विरवापी, अभी विरेचन, विरेचन का भी आप देख लीजिए अनेक वचन है आपको तय करना है, सस्नेहर बस्ती विरवापी, बस्ती भी आपको तय करना है, बस्ती विरवापी शोधयेत, अभी विरेचन किसको देना है और बस्ती किसको देना है, या दोनों करने हैं एक के बाद दो करना है, ये आपके लिए चर्चा के विषय आ जाते हैं। क्या क्या आ जाता है कि विरेचन पहले करना है, तो एक क्रम भी है, विरेचन ही बस्ती विरवापी यानी कि विरेचन ही बस्ती भी
ये भी हो सकता है विरेचन ही वा बस्ती भी ही, यानी कि विरेचन कर सकते हैं बस्ती कर सकते हैं, या विरेचन कर सकते हैं या बस्ती कर सकते हैं, नहीं तो विरेचन के बाद बस्ती कर सकते हैं। ये आपके लिए एक ऊहत अंतर्युक्ति का विवरण यहाँ पे आ जाता है। बस्ती विरूपी शोधयेत, दाशा मूल्य के ही बस्ती विरूपी शोधे, दाशा मूल्य के बस्ती से उसका शोधन किया जाए। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। मंदे अग्नौ अनिले मूढ़े ज्ञातवा सस्नेह माशयम। अभी यहाँ मंदे अग्नौ, अग्नि अगर मंदा हो जाता है, अभी देखने की बात क्या है कि मंद अग्नि अलग बात है और क्षीण अग्नि अलग बात है। ये जो मंदता आ जाती है, क्षीण आ जाती है, तो जो अग्नि मांद्य होता है वो दोषों के कारण हो जाता है। जैसे कि आप कभी गांव में खाना बनाते हैं तो वहां पे लकड़े का ईंधन इस्तेमाल होता है, तो जो लकड़े का ईंधन इस्तेमाल होता है अगर उस पे रक्षा आ जाती है तो वो अपना कार्य पूरी तरीके से कर नहीं पाते, तब उसको थोड़ा से एक पंखा चलाते हैं और वो जो वहाँ पे जो एक रक्षा उसकी आ गई है वो निकाल लेते हैं, तो अग्नि अपने को दिखने लगता है। लेकिन क्षीण जब हो जाता है, तब ये जब लकड़ा है वो पूरा ख़त्म हो जाता है या ख़त्म होने की बारी आ जाती है, काल आ जाता है, तब ये अग्नि क्षीण हो जाता है। तो मंद अग्नि और क्षीण अग्नि इसमें अंतर है। अभी यहाँ पे जो बता रहा है कि मंदेग्नु अनिले मूढ़े, अग्नि तो मंद हुआ है और अनिल मूढ़ हुआ है, मूढ़ यानी ऊपर भी नहीं जा रहा है नीचे भी नहीं जा रहा है। सस्नेह आशयम, आशय अपने स्निग्ध किया है, ज्ञातवा सस्नेह आशयम, अग्नि अनिले मूढ़े मंदेग्नु ज्ञातवा सस्नेह आशयम। पहले तो आप आशय स्निग्ध करें, उसके बाद क्या करें, गुटिका चूर्ण निर्व्यूहा प्रयोज्या कफगुल्मिनाम, गुटिका चूर्ण निर्व्यूह आप कफगुल्मी को प्रयुक्त करें। कृतम मूलम महावास्तुम कठिनम स्थिमितम गुरुम, कृतम मूल इसके मूल कृत है, कृतम मूल इसका मतलब आप थोड़ा सा अगर आप इंटरनेट पे उसके गुल्म के इमेजेस देखें तो आपके कुर्ता मूल यानी जिसका एक महावास्तु इसका आकार भी बड़ा हो गया है, कठिन आपको स्पर्श परीक्षा से पता चलता है, स्थिमित यानी कि उसको आर्द्री भाव उसका हो गया है, और गुरु जयेत कफकृतम गुलमम क्षारिष्ट अग्निकर्म भी, क्षार अरिष्ट अग्निकर्म भी जयेत कफकृत ऐसा गुलम जो है क्षार अरिष्ट अग्निकर्म भी ये। अब ये क्षारिष्ट अग्निकर्म भी ये भी एक ही समास आ जाता है, इसका विवरण कैसे करना है आपके लिए मैं छोड़ देता हूं। तो चलो आगे चलते हैं। अभी यहां पे क्षारिष्ट कर्म भी ये तो बता दिया, इसकी विवरण आगे ज्यादा करते हैं। दोष प्रकृति गुल्म ऋतु योगम बुध्वा कफोल बने। अभी यहाँ पे एक अलग ही बात आ गई है, दोष प्रकृति, दोष कौन, दोष तो कैसे प्रकृति गुल्म ऋतु योगम, ऋतु योग भी देखना जरूरी है, एक काल का एक विवरण यहाँ पे आ जाता है। उसका बुध्वा उसको जानने के बाद बल दोष प्रमाणाज्ञ गुल्मे क्षारम प्रयोजय, जिसको बल दोष का एक विवरण अच्छा हो गया है। यहाँ पे बल दोष, बल दोष विभक्ति क्या, ये समासिक शब्द है, क्या बताता है वो आपको, बल और दोष प्रमाण या का दोषों का बल प्रमाण, इसका विवरण आपको करना पड़ेगा। बल दोष प्रमाणाज्ञ, अभी ये बल दोष एक शब्द है कि बल प्रमाणाज्ञ दोष प्रमाणाज्ञ, ये दोनों अलग अलग शब्द है, आपको तय करने पड़ेंगे। कैसे तय करेंगे, तंत्र युक्ति है, आप तय करें। कुछ अगर समस्या आ जाती है तो मुझे बिल्कुल आप संपर्क कर सकते हैं, उसमें कोई ये बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन बलदोष प्रमाणाज्ञ शब्द का एक ऊह तंत्र युक्ति आपको ही करना पड़ेगा। क्षारम गुल्मे प्रयोजित,
क्षारम प्रयोजय, क्षार का प्रयोग करना है अभी यहाँ पे। अब ये करने के लिए आपको आगे भी मिल जाता है, एकांतरम द्व्यंतरम वा त्रिहम विश्रम में वा पुनः शरीर बल दोषाणाम रुद्धि क्षपण कोविदः। अभी ऊपर बताया है बल दोष प्रमाणाज्ञा, पीछे बताते हैं शरीर बल दोषाणाम रुद्धि क्षपण कोविदः। तो बल दोष प्रमाणाज्ञा और शरीर बल दोष कोविदः इन दोनों का अर्थ करके आप इन 56, 57, 57 दोनों सूत्रों का एक सम्यक अर्थ कर सकते हैं। शरीर बल दोषाणाम रुद्धि क्षपण कोविदः, इसकी वृद्धि और क्षपण कोविद को जानने वाला, श्लेष्माणम मधुरम स्निग्धम मांस क्षीर घृताशिनः। जरा थोड़ा वापिस चलते हैं। शरीर बल दोषाणा वृद्धि क्षपण कोविद श्लेष्माणम मधुकर मधुरम स्निग्धम मांस क्षीर घृताशिनः। मधुर स्निग्ध ऐसे श्लेष्मा की श्लेष्मा को उसकी वृद्धि क्षपण दोषों के शरीर शरीर बल दोषों का बल जानने वाले, वृद्धि क्षपण जानने वाले मांस क्षीर घृताशिनः, मांस और क्षीर का अशन करने वाले जैसे हम डेली वो क्या हम जेंट्स लोग ये अपनी मशरूम दाढ़ी करते हैं वैसे थोड़ा सा क्षरण का कार्य होता है। मंदे अग्नौ अरुचौ सात्मे मध्ये सस्नेह अश्नता। मंदे अग्नौ, अग्नि मंद हुआ है तो मंद अग्नि में अरुचि में सात्मे मध्य मध्य अगर आपको साथ में है तो सस्नेह अश्नता। अभी ये मध्य गौड़ी का भी है, पष्टी का भी है, और आपके लिए वहां पे जो विशेष अध्याय बताया गया है वहां पे एक बता देते हैं द्राक्षसवो दीपयति। तो यहाँ पे सामान्यतः क्या उपलब्ध होता है कि ऐसे कफोल में आप क्या दे, द्राक्षसवो। अगर आपको मध्य साथ जिसको साथ में नहीं है या साथ में मध्य है उसको भी आप बिल्कुल द्राक्षसव के साथ क्षार दे सकते हैं। अगर आपको मध्य साथ में है तो जो भी उचित होगा मध्य साथ में जो मध्य है उसमें गौड़ी का या पैष्टिक का देख के एक आपको मंदे अग्नौ अरुचौ सस्नेह देना है। अभी यहाँ पे आपको और एक रिसर्च पोटेंशियल मिल जाता है। देख लीजिए आप, ऐसा है कि मैं खुद तो मध्य सेवन नहीं करता लेकिन दोस्तों के साथ अक्सर कॉलेज के समय से उनके साथ बैठ पा रहा हूँ, जाता हूँ उनके साथ, वो मद्य सेवन करते हैं, मैं तो ऐसा ही बैठा रहता हूँ, नहीं तो जो सॉफ्ट ड्रिंक बोलते हैं वो कुछ भी ले लेता हूँ, अभी तक ऐसा ही चल रहा है। लेकिन रिसर्च पोटेंशियल कहाँ कैसे मिल जाता है आपको, अभी जो मद्य की एक उपलब्धि है वो मध्य की उपलब्धि का आज तक हमने कभी दोषिक विवरण नहीं किया कि जो रम बोलते हैं उसका दोषिक विवरण क्या है, विस्की बोलते हैं उसका दोषिक विवरण क्या है, या क्या बियर बोलते हैं उसका क्या है, या और क्या है वोडका है या जो भी है विस्की रम और जो वोडका और क्या है उसका, और एक बड़ा प्यारा नाम है उनका, जो भी है चलो बोल गया। तो इसका एक दोषिक विवरण जिनको अध्ययन करना है वो करें, ऐसे कि नहीं कि आप शुरू करें अगर नहीं लेते हैं मध्य आपको कभी, लेकिन ये आपको ये जो सूत्र है ना मंदे गनो अरुचो साथ में मध्य ससने अमृषणताम, तो एक निबंध ऐसा भी हो सकता है कि सद्य काल में प्रयुक्त होने वाले मध्य उनका दोषिक अध्ययन उसके साथ क्या खाया जाए, या जिसको खाते हैं ना वो लोग मध्य साथ में मध्य जब पीते हैं तब ये कुछ मूंगफली के दाने खाते हैं, नहीं तो पापड़ खाते हैं, नहीं तो चिकन टिक्का खाते हैं, जो भी खाते हैं तो किस मध्य के साथ क्या खाया जाए, ऐसा अगर आप मार्गदर्शन कर सकते हैं
तो एक बार मेरा ये अनुभव है, मेरे एक पेशेंट ने मुझे बता दिया था कि मैं हर रोज स्कॉच विस्की, बड़ा बड़ा आदमी था तो वहाँ पे स्कॉटलैंड से ही आती थी उसकी विस्की, तो रोज इतनी इतनी मात्रा में ले लेता हूँ। तो मैंने उसको पूछा कि उसकी उसका रस कौन सा होता है, यानी मदुरा, तो बोला वो अच्छा होता है। तो मैंने कहा नहीं साहब, ये अच्छा नहीं या बड़ा अच्छा, ये रस नहीं होता, ये भाव होता है, रस बताइए मुझे। तो उसने परिहास में कह दिया, डॉक्टर साहब ऐसा करता हूँ मैं आपको एक बॉटल भिजवा देता हूँ, आप खुद ही तय कर लीजिए। तो मैंने कहा नहीं छोड़ दीजिए, मैं किसी दोस्त को पूछ लूंगा। तो मैंने किसी दोस्त को पूछ लिया और उसके रस के उस जो मध्य है स्कॉच विस्की, उसके अनुसार उसका अतियोग का एक परिणमन का अध्ययन कर लिया कि अगर इसका अतियोग हो जाता है तो क्या हो सकता है। उसके अनुसार उसको बता दिया कि आप अगर मध्य आपको लेना ही चाहते हैं तो उसके साथ आप ये फलाना फलाना खाइए, और उसके अतियोग के लक्षण आपको ऐसे ऐसे दिखाई सकते हैं, इसलिए इतनी मात्रा मात्रा कालाश्रय युक्ति, इस काल में आप ये मध्य ले लीजिए, इतनी मात्रा में ले लीजिए और उसके साथ ये आहार कीजिए। तो ठीक है चलो, इसलिए आपको मैं बता देता हूँ कि ये भी आपके लिए एक रिसर्च पोटेंशियल बन जाता है। तो ये आज के लिए इतना मुझे लगता है काफी है। ये जो मंदे अग्नौ अरुचौ सातमे मध्य श्वसनीय अश्नताम, यहाँ पे हम ठहरते हैं अभी। प्रयोज्य मार्ग शुद्धिर्थम अरिष्ट कफोगलमिना कफोगलमिनाम, इस सूत्र से आगे चर्चा अगली बार करेंगे। तो आज के लिए इतना काफी है। मंदे अग्नौ अरुचौ सातमे, मुझे लगता है आप में से कोई अगर निबंध लिख लेता है कि सद्यकालीन प्रयुक्त होने वाले मध्य, उसकी दोषी विकल्पना, उसके रस वीर्य विपाक क्या हो सकते हैं, अतियोग का परिणाम क्या हो सकता है, उसके साथ क्या खाना चाहिए, मात्रा कालाश्रय युक्ति, तो कितना पीनी चाहिए और कौन से काल में पीना चाहिए वो मध्य, उसके अतियोग के परिणाम क्या हो सकता है, मिथ्या योग के परिणाम क्या हो सकते हैं, ये सब आप लिख लीजिए। काल माने यानी मतलब सिर्फ सुबह शाम या रात का काल नहीं, तो ये जो आपको कब खा पीना है, अभी जो वेस्टर्न मेथोडोलॉजी है, वेस्टर्न में पीते हैं तो कुछ मध्य वो खाने के साथ पीते हैं, कुछ मध्य जो होते हैं खाने के पहले, कुछ मध्य जो है शैंपेन वगैरह वो खाने के बाद, ऐसे कुछ उसकी मान्यता है। वो मुझे मालूम नहीं वो कल्चरल है या साइंटिफिक है, वो मुझे मालूम नहीं, मैंने कभी अध्ययन अध्ययन करना जरूरी नहीं समझा, लेकिन आप लोग कर सकते हैं उसमें अध्ययन, तो ये भी आपके लिए एक अध्ययन का एक विषय हो सकता है। तो आज के लिए इतना काफी है। प्रयोज्य मार्ग शुद्ध्यर्थम अरिष्टः कफोगलमिना, इस सूत्र से आगे चर्चा अगली बार करेंगे।